हेलो दोस्तों, आज की तारीख में आप सभी बेहतरीन कारें देखते होंगे, चलाते भी होंगे और फीचर्स को लेकर तो आप एकदम अप टू डेट होंगे। सारी कारें एक दूसरे से ऊपर होती हैं, बड़ा कंपटीशन हो चुका है ना। जिस तरह का डिजाइन और तकनीक आजकल की कारों में देखने को मिल रहा है ना, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। आए दिन आप कार का एक नया मॉडल लॉन्च होते देखते हैं और आप पूरा ऊपर से नीचे तक उसको स्टडी कर डालते हैं कि क्या क्या है इस कार में। और मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग करंट ट्रेंड्स की नॉलेज से भरा हुआ होगा और आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरी मानिए ना तो कुछ मिनटों का ब्रेक लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में टॉपुलर फैक्ट्स आपको अतीत में लेकर जा रहे हैं, बल्कि ये दुनिया की बनी अब तक की सबसे अजीब और बेहद अजीब कारों के बारे में। आप देख सकते हैं उस समय भी लोग कितने नए विचार रखते थे। चलिए एक नजर डालते हैं उन गाड़ियों पर। नंबर वन, ले 8 हेलिका। 1909 में मार्सेल ले 8 ने एक एयरप्लेन बनाने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पास पैसे खत्म हो गए, इसीलिए उन्होंने बिना पंखों वाला एक विमान बनाने में हाथ आजमाया और हेलिका का जन्म हुआ। ये लकड़ी से बना, ये हल्की और अपने तरीके से काफी कुशल गाड़ी थी और 106 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। लेकिन हालांकि 1921 के पेरिस मोटर शो में डिस्प्ले होने के बाद इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था। इसके केवल 30 यूनिट ही बनाए गए थे क्योंकि प्रोडक्शन मुश्किल था। ऐसा लगता है कि आज उनमें से केवल 4 ही जीवित बचे हैं। नंबर 2, स्टाउट स्कारब। फियट के पास पहले मास प्रोड्यूस्ड एमपीवी के निर्माता होने का दावा हो सकता है, लेकिन अमेरिका की स्टाउट यकीनन पहले भी वहां पहुंच गई थी, भले ही एक ऐसी कार के साथ जो उत्पादन के मामले में दोहरे आंकड़े भी नहीं बना पाई। जी हाँ, लेकिन जरा इसे देखिए, कल्पना कीजिए कि जब दुनिया ने इसे पहली बार 1932 में देखा था तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, सोचिए जरा देखिए। जी हाँ, अविश्वसनीय रूप से एरोडायनामिक। इसमें एक यूनिबॉडी एल्यूमिनियम चेसिस और पीछे एक फोर्ड फ्लैंथेड V8 इंजन जो 6 लोगों के लिए पर्याप्त जगह की इजाजत देता था, लेकिन इसे ऑफिस ऑन व्हील्स के रूप में लॉन्च किया गया। हालांकि ये बेहद महंगा था और ये व्यवसायिक रूप से इसके लिए उपयुक्त था। जॉन तजार्डा द्वारा डिजाइन किया गया। टॉम तजार्डा के पिता एक प्रसिद्ध कार डिजाइनर, और ये एक और अजीब कार है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। वैसे हाँ, इस कार को देखकर आपको थोड़ा तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, अच्छी कार है ना। नंबर 3, रिवीज ओवरलैंड ऑक्टो ऑटो। इंडियाना के मिल्टन रिवीज अमेरिका के घोड़े रहित गाड़ियों के शुरुआती कलाकारों में से एक थे और विभिन्न प्रारंभिक इंजन टेक्नोलॉजी के आविष्कारक थे, लेकिन 1910 में उन्होंने उस समय ड्राइविंग की एक प्रमुख समस्या का सामना किया, भयावह सड़क की सतह। इसीलिए उन्होंने 1910 में ओवरलैंड लिया और इसमें 4 पहिए जोड़े। सिद्धांत ये था कुल मिलाकर कि एक्स्ट्रा पहिए यात्रा को आसान बना देंगे, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेनों में कई पहिए होते ना, बस वैसे ही, और सभी 8 पहिए चलते रहे। वाह, देखो तो सही क्या बना। ऑक्टो ऑटो वास्तव में आरामदायक थी, लेकिन बहुत लंबी, यानी कि 248 इंच, प्रोडक्शन में जटिल और इसीलिए खरीदने के लिए महंगी थी। कोई ग्राहक नहीं होने के कारण रिवीज ने एक 6 पहिया वाहन बनाने के लिए एक स्पिंडल को काट दिया, लेकिन वो भी काम नहीं आया और रिवीज अपने इंजन पर वापस लौट गया। नंबर 4, डायमैक्सियन। हमारे पास यहाँ बहुत सारी अजीब कारें हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी इस डायमैक्सियन के अप्रोच से मेल नहीं, इसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। देखिए, 1930 के दशक के शुरुआत में अमेरिकी आविष्कारक बकमिंस्टर फुलर ने लोगों को ले जाने वाले एक नए वाहन की कल्पना की थी जो ना तो चल ही सकता था बल्कि समय के साथ उड़ भी सकता था। जी हाँ, इसमें एक रियर माउंटेड फोर्ड फ्लैटहेड V8 था, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव और कुल 3 पहियों के साथ, जिसका सिंगल रियर चलाने योग्य था। इसने पार्टी ट्रिक्स को सक्षम किया। ये कार को घुमाने की इजाजत देकर 90 डिग्री तक घुमा सकता था, लेकिन स्पीड पर कंट्रोल करना भी बहुत कठिन बना दिया, जैसा कि एक इनिशियल टेस्ट ड्राइवर को तब पता चला जब एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और उड़ने वाले एम्बिशन को गिरा दिया। ये सब उस समय थोड़ा सा अजीब था जब ज्यादातर लोगों का ध्यान महामंदी के दौरान पर्याप्त मात्रा में खाने पर केंद्रित था और रुचि कम हो गई। उत्पादित 3 में से केवल 1 यूनिट जीवित है और आज रेनो नेवादा में राष्ट्रीय ऑटो संग्रहालय में देखा जा सकता है इसे। प्रसिद्ध वास्तुकार नॉर्मन फॉस्टर ने 2010 में एक रेप्लिकेशन तैयार किया। उन्होंने 1971 से 1983 तक अपने हीरो फुलर के साथ काम किया।
नंबर 5, जिप्पो कार। 1940 के दशक में अमेरिका में प्रचार वाहनों का उदय उस समय हुआ जब धूम्रपान अत्यधिक फैशनेबल था। मतलब लोग सिगरेट लगाकर मुंह में घूमा करते थे और इसे स्टाइल सिंबल माना जाता था। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए लाइटर निर्माता जिप्पो ने 1947 क्रिसलर न्यूयॉर्कर के आधार पर अपना स्वयं का वाहन चालू किया। मध्य भाग इसके प्रसिद्ध लाइटर में से एक की प्रतिकृति थी जो फ्लिप टॉप और लॉ से परफेक्ट थी। जिप्पो कार की ऊंचाई का मतलब था कि इसके ड्राइवर को पुलों के पास जाते समय बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन इससे उन्हें कार को अमेरिका के सभी 48 राज्यों में ले जाने से कोई रोक न सका। मूल जिप्पो कार 1950 के दशक में बिना किसी निशान के गायब हो गई, लेकिन जिप्पो ने 1998 में एक अन्य क्रिस्टर न्यूयॉर्कर के आधार पर इसे फिर से बनाया। नंबर 6, फॉक्स वैगन थिंग। एडोल्फ हिटलर ने नागरिक टाइप 1 बीटल को पेरेंटिंग की, लेकिन फिर अन्य यूरोपीय देशों पर आक्रमण करने के उनके शौक ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जिससे इसे तेजी से सैन्य कुबेल वैगन में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध के बाद वॉक्स वैगन ने इसे विकसित करना जारी रखा और पश्चिम जर्मन सेना और अन्य नाटो बलों ने आखिर में 1968 से 1979 के बीच उनमें से 50,000 को अपनाया। फॉक्स वैगन को एहसास हुआ कि इसमें नागरिक अपील हो सकती है और उसने 1971 में यूरोप और अगले वर्ष अमेरिका में मॉडल 181 के नाम से जानी जाने वाली कार की बिक्री शुरू कर दी। ये अमेरिका में अधिक समय तक टिक नहीं सका क्योंकि सुरक्षा नियमों ने इसके जन्म को रोक दिया। देखने में अजीब और निश्चित रूप से एक दिलचस्प प्रागैतिहास के साथ, लेकिन कार निश्चित रूप से अमेरिका में अपने नाम के लिए इस कहानी में जीत हासिल करती है। द थिंग। नंबर 7, निसान क्यूब। क्यूब एक कार नहीं थी, ये एक मोबाइल लिविंग रूम था, या कम से कम ये स्पष्ट रूप से निसान का विचार था, जिसमें 20 या 30 के शुरुआत के युवा जोड़ों को आकर्षित करने के लिए एक कड़ाई से परिभाषित संक्षिप्त विवरण था। इसका छोटा कद और कई पीढ़ियों तक व्यवहारिकता जापान में लोकप्रिय साबित हुई, लेकिन एक्सपोर्ट कम सफल रहा क्योंकि इसे आमतौर पर ऑप्टिमिस्टिक प्राइस पर बेचा जाता था। नंबर 8, क्रिसलर टर्बाइन कार। क्रिसलर टर्बाइन कार 1963 से 1964 तक निर्मित एक कॉन्सेप्ट कार थी। सभी कांसे रंग की घिया डिजाइन और निर्मित कारें एक गैस टर्बाइन इंजन द्वारा संचालित होती थी जो डीजल, अनलेडेड गैसोलीन, कैरोसिन या यहां तक कि टकीला पर चल सकती थी। फुल टिल्ट इंजन ने 130 bhp प्रभावशाली 425 lb-ft टॉर्क उत्पन्न किया और असाधारण 60,000 rpm पर पलट गया। प्रोड्यूस्ड 55 में से 50 जनता को टेस्ट के लिए दिए गए, हालांकि उनमें से कई कॉम्प्लेक्स स्टार्ट प्रोसेस से चकित थे और इसकी धीमी गति, भारी ईंधन खपत और शोर से प्रभावित नहीं थे। क्रिसलर ने निष्कर्ष निकाला कि टेक्नोलॉजी में बहुत कम भविष्य था और कारों को वापस ले ली और उनमें से अधिकांश को कबाड़ कर दिया। 9 अभी भी बचे हैं, उनमें से 2 अभी भी कंपनी के स्वामित्व में हैं और बाकी ज्यादातर संग्रहालयों में हैं, जिनमें से एक डियरबॉर्न मिशिगन में हेनरी फोर्ड में है। तो दोस्तों आज हम यहीं रुकेंगे। कृपया मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई। पार्ट 2 में और भी बहुत सी अजीब कारें बाकी हैं, तो प्लीज इस तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टॉपुलर फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।